चलिए अब हम आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 234 के पावर दिया हुआ, 234 पूछ रहा है कि बताइए इकाइयां किसका क्या होगा। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग जाने 0156 के बारे में, 0156 के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि जब इकाइयां चार हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब किसी प्रश्न का इकाई अंक चार हो, अगर घात विषम हो तो आपका आंसर चार होगा, और घात सम हो तो आपका आंसर छह होगा। तब देखिए प्रश्न को, 234 आपका इकाई अंक कितना है, चार है। अब इसका देखिए पावर जो है विषम है या सम है, तो 234 आपका पावर सम है। पावर अगर सम है तो देखिए आपका आंसर कितना होगा, आपका प्रश्न का इकाई अंक कितना होगा। प्रश्न का इकाई अंक अगर चार है और पावर अगर सम है तो आपका इकाई, उत्तर का इकाई कितना होगा, छह होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 3454 के पावर दिया हुआ 121। अब देखिए प्रश्न का इकाई का आपका चार दिया हुआ है, और इधर साइड में लिखा हुआ है कि किसी प्रश्न का इकाई का अगर चार हो और पावर विषम हो तो आपका उत्तर का इकाई चार होगा, और किसी प्रश्न का इकाई चार है और पावर सम है तो आपका उत्तर का इकाई कितना होगा, छह होगा। तब देखिए यहाँ पे 3454 के पावर आपका दिया 121, आपका 121 दिया हुआ है विषम। अब ध्यान दीजिएगा, अब किसी प्रश्न का ये इकाई चार था, चार है। अब देखिए अगर पावर विषम है, घात विषम है तो आपका आंसर कितना होगा, चार होगा। ये हो गया आपका आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ 51234 आपका पावर में है 23456। अब देखिए प्रश्न का इकाई चार है, अभी कुछ देर पहले बताया गया है कि किसी प्रश्न का इकाई चार हो और पावर सम संख्या हो, पावर सम संख्या हो तो आपका आंसर छह होता है, और पावर विषम संख्या तो आपका आंसर चार होता है। तो देखिए किसी प्रश्न का इकाई कितना है, चार है। अब इसका पावर देखिए सम है या विषम है, तो पावर जो है सम है। अगर पावर सम है तो इसका आंसर कितना होगा, पावर अगर सम है तो इसका आंसर कितना होगा, छह होगा। ये हो गया आपका आंसर।